प्रधान याजक ने पूछा, क्या ये बातें सही हैं? उसने उत्तर दिया, भाइयों और गुरुजनों, मेरी बात सुनिए। जब हमारे पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले मेसोपोटामिया में रहते थे, तो उस समय महिमामय ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अपना देश तथा अपना कुटुंब छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस पर वो खल्दियों का देश छोड़कर हरान में बस गए। उनके पिता के देहांत के बाद ईश्वर उन्हें वहां से हटाकर इस देश में लाया जहां आप आजकल रहते हैं। इस देश में ईश्वर ने उन्हें विरासत के रूप में कोई जमीन, यहां तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी, किंतु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तुम्हें और बाद में तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। हालांकि उस समय इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, ईश्वर ने ये कहा, इब्राहिम के वंशज पराए देश में परदेशी की तरह निवास करेंगे। वे लोग उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार करते रहेंगे। ईश्वर ने फिर कहा, मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा जिसके वे दास होंगे। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान करेंगे और यहां मेरी उपासना करेंगे। तब ईश्वर ने इब्राहिम के लिए खतने का विधान निर्धारित किया। इब्राहिम ने इसहाक को उत्पन्न किया और आठवें दिन उनका खतना किया। इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच दिया और वो मिस्र देश पहुंचे, किंतु ईश्वर उनके साथ रहा। उसने सब विपत्तियों से उनका उद्धार किया और ऐसा किया कि वो मिस्र देश के राजा फिराउन की दृष्टि में प्रिय तथा बुद्धिमान जान पड़े। राजा ने उन्हें मिस्र का राज्यपाल तथा अपने समस्त राजभवन का अधिकारी बनाया। उस समय सारे मिस्र तथा कनान देश में अकाल और घोर संकट पड़ा। इस कारण हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिल रहा था। जब याकूब ने ये सुना कि मिस्र देश में अनाज मिलता है, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहां पहली बार भेजा। दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया और फिराउन को भी यूसुफ के वंश का पता चला। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और उनके सारे परिवार को बुला भेजा। कुल मिलाकर वे 75 व्यक्ति थे। याकूब मिस्र देश गए, वहां वो और हमारे पूर्वज भी चल बसे। बाद में उनके अवशेष शिखेम लाए गए और उस मकबरे में रखे गए जिसे इब्राहिम ने शिखेम में एमोर के पुत्रों से चांदी देकर खरीदा था। ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी, जब उसके पूरा हो जाने का समय निकट आ रहा था, तो हमारे लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत अधिक बढ़ रही थी। बाद में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ कपट पूर्ण व्यवहार करते हुए उन पर अत्याचार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात शिशुओं को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित ना रह सके। उस समय मूसा का जन्म हुआ। वो अत्यंत सुंदर थे और 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए। इसके बाद जब वो फेंक दिए गए, तो फिराउन की पुत्री ने उन्हें गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। मूसा को मिस्रियों की सब विद्याओं का परीक्षण मिला। वो शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बने। जब वो 40 वर्ष के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने इजरायली भाइयों से भेंट करने जाने का निश्चय किया। उनमें से एक के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर मूसा ने उसका पक्ष लिया और मिस्री को मारकर अत्याचार का बदला चुकाया। मूसा का विचार ये था कि मेरे भाई समझ जाएंगे कि ईश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं समझा। दूसरे दिन मूसा ने 2 इजरायलियों को लड़ते देखा। उन्होंने ये कहकर उनमें मेल कराने का प्रयास किया, मित्रों, आप लोग भाई हैं, आप क्यों एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं? जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था, उसने मूसा को धकेल दिया और कहा,
किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया? कल तुमने उस मिस्री का वध किया, क्या तुम उसी तरह मुझको भी मार डालना चाहते हो? इस पर मूसा वहाँ से भाग निकले और मिद्याम में परदेशी के रूप में रहने लगे। वहाँ उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। 40 वर्ष बाद सिनाई पर्वत के उजाड़ प्रदेश में मूसा को जलती हुई कटीली झाड़ी की ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा। ये देखकर मूसा अचंभे में पड़ गए। जब वो इसका निरीक्षण करने के लिए निकट आए तो उन्हें प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। मूसा डर के मारे कांप उठे, उन्हें फिर देखने का साहस नहीं हुआ। तब ईश्वर ने उनसे ये कहा, पैरों से जूते उतार लो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वो पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा पर हो रहा अत्याचार अच्छी तरह देखा और उसकी करह सुनी है। मैं उसका उद्धार करने उतरा हूँ, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मिस्र देश भेजूंगा। लोगों ने ये कहते हुए मूसा को अस्वीकार किया था, किसने तुमको शासक तथा न्यायकर्ता नियुक्त किया? ईश्वर ने कटीली झाड़ी में दिखाई पड़ने वाले स्वर्गदूत के माध्यम से उन्हीं मूसा को शासक तथा मुक्तिदाता के रूप में उनके पास भेजा। वही मूसा उन्हें बाहर निकाल लाए और मिस्र देश में लाल समुद्र के तट पर तथा मरुभूमि में 40 वर्ष तक चमत्कार और चिन्ह दिखाते रहे। उन्होंने इसराइलियों से ये कहा, ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। मूसा मरुभूमि के समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों तथा उस स्वर्गदूत के बीच मध्यस्थ बने जिसने सिनाई पर्वत पर उनसे वार्तालाप किया। उनको जीवंत दिव्य वाणी प्राप्त हुई जिससे वो उसे हम लोगों को सुनाए, किंतु हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानना नहीं चाहा। उन्होंने मूसा को ठुकरा दिया, वे मिस्र देश लौटना चाहते थे। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया। उन दिनों उन्होंने बछड़े की देव मूर्ति बनाकर उसे बलि चढ़ाई और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति का उत्सव मनाया। तब ईश्वर उनसे विमुख हो गया और उसने उन्हें आकाश के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों के ग्रंथों में लिखा है, इसराइलियों, 40 वर्ष तक मरुभूमि में रहते समय तुम लोगों ने मुझे बलि तथा होम नहीं चढ़ाया। तुम लोग मोलोख का तंबू और रेफान देवता का तारा अपने कंधों पर उठाकर ले जाते रहे, उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने आराधना के निमित्त बनाया था। इसलिए मैं तुम लोगों को बाबुल में निर्वासित करूंगा। मरुभूमि में हमारे पूर्वजों के पास साक्ष्य का तंबू था। ईश्वर ने मूसा को इसके विषय में ये आदेश दिया था, तुमने जो नमूना देखा है उसी के अनुसार उसे बनवाओ। वो तंबू अगली पीढ़ी के पूर्वजों को मिला और वे उसे योशुआ के नेतृत्व में इस देश में ले आए। ये देश गैर यहूदियों के हाथ में था, किंतु ईश्वर ने उन्हें हमारे पूर्वजों के सामने निकाल दिया। वो तंबू दाऊद के समय तक यहाँ रहा। दाऊद को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी और उसने याकूब के घराने के लिए एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, किंतु सुलेमान ने मंदिर बनवाया। फिर भी सर्वोच्च ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाए हुए भवनों में निवास नहीं करता, जैसा कि नबी ने कहा है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? क्या ये सब मेरा बनाया हुआ नहीं? हट धर्मियों, आप लोग न तो सुनना चाहते हैं और न समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे।
आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वो बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने ये प्रार्थना की, प्रभु ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगा, और ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए।